बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में प्रेगनेंसी को लेकर एक किताब लिखी है, जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। बेबो मुसीबतों में फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल करीना के ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। खबर के अनुसार एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक ईसाई समूह ने करीना कपूर की किताब के टाइटल पर एतराज जताया है। ईसाई ग्रुप ने बुधवार को करीना कपूर समेत दो लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के बीड शहर में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रुप ने उन पर ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इल्जाम लगाया है। अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने पुस्तक को लेकर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दूसरे लेखक का भी नाम है। शिंदे ने अपनी शिकायत में करीना कपूर और आदिति शाह भीमजानी द्वारा लिखित और जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक के शीर्षक प्रेगनेंसी बाइबल का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि किताब के शीर्षक में पवित्र शब्द बाइबल का इस्तेमाल किया गया है और इससे ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। शिंदे ने एक्ट्रेस और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 295A के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है, लेकिन कहा कि कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि शिवाजी नगर थाना प्रभारी निरीक्षक साइना थोमरे ने PTI भाषा को बताया, हमें शिकायत मिली है लेकिन यहाँ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि घटना बीड़ में नहीं हुई है। मैंने उन्हें मुंबई में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। आपको बता दें कि करीना ने 9 जुलाई को अपनी किताब का विमोचन किया था। फरवरी में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली करीना ने इस बुक को अपना तीसरा बच्चा बताया था। इस बुक के प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए थे। So what's been baking? This is what's been baking. करीना के अनुसार इस बुक में उन्होंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के दौरान महसूस किए गए शारीरिक और इमोशनल अनुभवों का उल्लेख किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।